शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटावा रोड स्थित पन्ना पैलेस के संचालक विनोद जैन पन्ना के 23 वर्षीय बेटे प्रणाम जैन की अज्ञात आरोपियों ने विगत दिन होटल की चौथी मंजिल पर कमरे में सो रहे प्रणाम की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस कप्तान हर्षित यादव तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक समेत भारी पुलिस बल होटल पर पहुंच गया। तभी जैन समाज में आक्रोश पनप गया और पूरे शहर को एक साथ बंद कर दिया और पुलिस अधीक्षक से बस एक ही मांग करने लगे कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन आज सभी जैन समाज ने एक साथ होकर शहर कोतवाली का घेराव कर दिया। कोतवाली का घेराव पुलिस कप्तान हर्षित यादव को जैसे ही मिला वह भी मौके पर पहुंच गए और जैन समाज ने एसपी से कहा कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और घरों पर बुलडोजर समेत जेसीबी से घर ध्वस्त किए जाए, तभी हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जैन समाज ने एसपी की बातों को सुनकर कोतवाली से अपने अपने गंतव्य अपने अपने घर की ओर चले गए। घटना विगत शुक्रवार अल सुबह 4:15 पर हुए शहर के बीचों बीच होटल व्यापारी के बेटे के इन सनसनीखेज हत्याकांड का जानकारी एसपी और सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का मुआयना करते हुए पुलिस कप्तान हर्षित यादव ने डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीमों को बुलाकर वारदात की जगह से जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में तत्काल टीमों का गठन करते हुए जांच में लगाया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिसमें दो युवक देर रात होटल में आते दिखाई दिए थे, जिनकी जानकारी जुटाने पर सामने आया कि इस वारदात में बारापुरा निवासी विशाल भदौरिया और बिक्कू सिंह पुत्र रणदीप सिंह भदौरिया एवं उसका दोस्त भोला शामिल है। पुलिस को शुरुआती जांच में आरोपी विशाल की अपराधी प्रवृत्ति होने की भी बात सामने आई थी, जिसके खिलाफ फूप थाने में पूर्व में भी मामले दर्ज होना बताया गया है। आज उसी तारतम्य में जैन समाज ने शहर कोतवाली का घेराव किया कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए और हर हाल में आरोपियों को एनकाउंटर किया जाए। एक साथ जैन समाज कोतवाली पहुंचा, लेकिन पुलिस कप्तान हर्षित यादव के द्वारा पूर्ण विश्वास दिलाया गया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पूर्व व्यापारी संघ को वीडियो सर हम लोग व्यापारी लोग हैं सर, आप परेशान हैं उसका साथी देखो साथी जा रहे हैं, कोई आंदोलन में एक देखिए प्रश्न कर पाए आप ये बात अपने बच्चे चला गया भाई साहब, नहीं समझ सकता इसकी पीड़ा कोई भगवान भी नहीं समझ सकता, सही बात है कोई पूर्ति नहीं हो पाई इस बच्चे की। थोड़ा गैप बना ले बढ़ाओ, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा यहाँ पे जो भी अपराधी है उनका घर को ध्वस्त किया जाए। पूरे प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान के समय से ये चालू हो गया था और यूपी में भी है, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं ये प्रक्रिया को आप। दूसरा सर एक छोटी सी निवेदन मेरा भी है, जो भी अपराधी है उनके आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इनका घर सबसे पहले नस्तो नाबूद कर, बिल्कुल नस्तो नाबूद, क्योंकि आपने अगर मिसाल पेश नहीं करी तो कल को कोई निबंध नहीं दूसरा परिणाम कल को कोई दूसरा परिणाम की जरूरत आएगी, इसलिए ये ऐसे मिसाल जानी चाहिए कि कल को कोई अपराधी दूसरा पैदा नहीं होगा। इसी बात है कोई राजनीति सर हम लोग व्यापारी लोग हैं सर आपसे समझ सकता इसकी पीड़ा कोई भगवान भी नहीं समझ सकता, इसकी पीड़ा से ये बात नहीं हो पाएगी इस बच्चे की। तो सर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, कार्रवाई जल्दी न्याय लगने चाहिए समय सीमा समय टाइम टाइम बता दो पूरा
24 घंटे ले रहे हो, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि पूरे पूरे जिले में जैन समाज में जैन समाज कर रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से सबसे पहले सर उठा रही हूँ, बाद में गए आप, अभी हमारी आप ही भगवान है, आप से न्याय की आस है, मैं उसके बाद मंदिर 24 घंटे का समय आप